बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपना प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी सीरीज़ में ले खुश आमदीद कहता हूँ। सीरीज़ चल रही है कैंसेरियन की और आज हमारा टॉपिक है कैंसेरियन वर्सेस स्कॉर्पियो, बुरज सरतान वर्सेस बुरज अक्रब, दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। पर आगे बढ़ने से पहले पहले इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों होते कैसे हैं, आपस में इनकी क्या कंपैटिबिलिटी है, आपस इनके अंदर क्या पॉजिटिव करेक्टर है, इनके क्या अंदर नेगेटिव करेक्टर है। तो इसको समझने के लिए पहले हम कैंसर को देखते हैं कि कैंसेरियन लोग कैसे होते हैं। इनका बुध सरतान कर्क राशि जो 21 जून से 20 जुलाई के दरमियान पैदा होते हैं। इनके इनका केकड़ा इनका वो है साइन, तो ये बहुत डोमेस्टिक घरेलू किस्म की शख्सियत होते हैं और इमोशनल बहुत होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अपने आप पर इनको बहुत रिलायंस होता है और मुतात खर्च और मेहनती जफाकश और हकीकी किस्म के लोग हैं, यानी कि प्योर। इनमें वजदानी कैफियत कशफियत रहती है, इंट्यूशनल माइंड बहुत ज़्यादा पाया जाता है और एहसास बहुत है, प्रिसेप्टिव होते हैं और इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा, यानी कि तख्लीक परवर फ़िक्र कसीरुल ख्यालात और मसवरा भी इनमें कहा जा सकता है, मसवर भी कह सकते हैं। बोलते बहुत है, बसियार खोर बतूनी टाकटिव, फैमिली के साथ बहुत अटैच होते हैं अपने घर के में मसले में। अगर घर में कोई कैंसेरियन लड़की है तो माँ बाप का बहुत ख्याल, लकी है माँ बाप, इनकी हॉस्पिटैलिटी मेज़बानी बहुत अच्छी होती है, मेहमान आ जाए तो उनको बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, वार्म वेलकम और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते। और फाउंड ऑफ म्यूज़िक फेयर प्ले जस्टिस ऑनेस्ट, ये सारी इनकी रूहानियत इनमें बहुत पाई जाती है। नेगेटिव करेक्टर इनके ये कि शाही बड़ी होते हैं, बड़ी जल्दी ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और हैंड पैक किस्म के लोग होते हैं, बुजदिल बहुत, डर जल देते हैं और फिर डराने पे भी आ जाते हैं, धमकाने पे भी आ जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि मून इनका है। सादा दिल बहुत ज़्यादा, सीधा सादा मिजाज इनको लोग बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बना लेते हैं। और सेल्फ पिटिंग यानी कि जख्म बड़ी जल्दी, यानी कि जख्मी बड़ी जल्दी होते हैं अंदर, दिल का जख्म, लोगों की बातें इनको ना छलनी करती हैं। पोजेसिव और बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, मूडी सेल्फिश, और जब लड़ने पे आते हैं तो बदखूर बदमिजाज और क्रैपी हो जाते हैं। ये तो कैंसेरियन हो गया। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन कैसे। अब स्कॉर्पियन जिनको हम संग राशि कहते हैं, अक्रब है जिनका, मरीख है उनका स्टार, और इनका भी क्रैब है बिच्छू इनका, वो भी उनका केकड़ा है इनका बिच्छू है, तो दोनों ज़रा थोड़ी सी, और दोनों का जो पानी है दोनों का, और ये 23 अक्टूबर के और 22 नवंबर के दरमियान पैदा होने वाले लोग हैं। इनके पॉजिटिव करेक्टर मटीरियलिस्टिक बहुत होते हैं, इमोशनल पावरफुल फीलिंग, कमिटेड लॉयल वफादार, इमेजिनेटिव और बहुत दानिशमंद होशियार और जी शोर होते हैं, डिटर्मिंड बहुत ज़्यादा हैं और बहस मुबासा के माहिर होते हैं और लिखते बहुत अच्छा है, और एक्साइटमेंट इनमें बहुत होती है, लव एक्साइटमेंट, अप्रिशिएट लग्जरी और फाइन आर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, आर्ट एंड डांसिंग। ऑक्यूपाइज गुड पोजीशन इन सर्विस, अच्छी पोस्टों पे होते हैं ये लोग, जेनरस होते हैं, बर्ताव इनका बहुत अच्छा होता है, सेल्फ क्रिटिकल, अपने ऊपर भी तनकीद कर जाते हैं ये, और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं और उसमें जाते हैं, हाई पावर कंसल्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है, डायनेमिक बहुत है और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, प्रोबिंग एंड पेनिट्रेटिंग, ये इनके पॉजिटिव करेक्टर आ गए। अब नेगेटिव करेक्टर क्या है कि क्योंकि मार्स है और जेलसी इनमें कूट कूट के भरी होती है और ज़िद पे अट जाते हैं और माफ़ नहीं करते, गुस्सा आ जाता है, स्पीशियस बहुत है, इनफ्लेक्सिबल बहुत है और ज़ालमाना हद तक लड़ने पे चले जाते हैं, और अनकाइंड और ब्रूटली हेयरलेस यानी कि कसाईयों की तरह बिहेव करना, ओवर क्रिटिकल और दीनी वाज करना, संग दिल बेरहम होना, सैडिस्ट कनिंग, और ये कह लें कि डिपेंड हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन लूज टेम्पर, अपना गुस्सा बड़ी जल्दी ये आ जाते हैं, गुस्से में बड़ी जल्दी आते हैं, डोंट रिलिश टू बी बॉस बट लव्स टू बी बॉस ओवर, ये बॉस को बर्दाश्त नहीं करते कि ये पसंद करते कि हम बॉस बने, सबॉर्डिनेशन ये पसंद नहीं करते, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, और ये दोस्त नहीं बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो फिर शॉर्ट पीरियड के लिए इनकी दोस्ती होती है।
तो ये इनके करेक्टर्स आ गए स्कॉर्पियन के। अब देखते हैं कि इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी। अच्छा, ये अगर देखा जाए इनका कैंसर का पांचवा और नौवां घर जो है ना स्कॉर्पियो का, पाइसिस है और स्कॉर्पियो है, तो लिहाजा इनकी ये पांचवें की कंपैटिबिलिटी तो इनकी बहुत अच्छी है। इनके आपस में बहुत अच्छे तजस्सुस से साथ साथ मुनसफाना के आपस में प्यार चीत और बहुत एक दूसरे से ये प्यार मोहब्बत करते हैं। इनका यानी कि आपस का स्कोर बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों पानी हैं, पानी की निशानियाँ, मूवेबल भी हैं और ड्यूल भी हैं, जहाँ पे रुकना रुक भी जाएंगे, यानी कह लें कि ये इनका पानी है तो इसलिए पानी की तरह ही बहते जाते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट जल्दी हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के रास्तों को समझते हैं, इर्द गिर्द की बाउंड्रीज को समझते हैं और दूसरे के गहराई और असरार को फौरन जान लेते हैं। दोनों में ये पानी है तो पानी के अंदर तो सारे, फिर वो एक दूसरे को जानने में इनको कोई मसला नहीं था। अगर कुछ चिंगारी है तो ये एक काबिल नाकाबिल मज़ामत कशिश को भड़का भी देते हैं, दोनों पहली नज़र में मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ये भी इनके यानी कि तरद्दुद नहीं करना पड़ता, दोनों की लव अफेयर बड़ी जल्दी चल जाता है, दोनों में मुताबकत बहुत ज़्यादा है और रूह के साथी होने की बड़ी सलीहियत है, उनकी रूहें एक जैसी होती है क्योंकि इनके निशान अभी निशान है, असासियत इनमें बहुत पाई जाती है और बहते जाते हैं जैसे, तो अगरचे इनकी शख्सियत मजाद हैं लेकिन तोज़न एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा लगता है, बैलेंस एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं। सुल्तान अपने जो होता है कंसेरियन अपने साथी को मुस्तकम रखने की हर मुकम कोशिश करेगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो सकता है अगर स्कॉर्पियो अपने जज्बात का इनके जज्बात का एहतराम ना करे, यहाँ पर आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। कैंसर और स्कॉर्पियो नंबर वन आपस में एक दूसरे का रिलेशन बन सकते हैं, वो दूसरी चीज़ों में लिपटे हुए हैं, तलकात में तलखी आ जाए तो ब्रेकअप करना इनको बहुत मुश्किल लगता है और ख़ास तौर पे कैंसेरियन को अलहदा होना बहुत महसूस होता है, लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाता है तो बाद में ये फिर भी दोस्त बन के रहते हैं, इनमें दोस्ती बहुत होती है, यानी कि ये नहीं होता कि अगर ब्रेकअप हो गया डिवोर्स होगी तो ये एक दूसरे से लड़ाई झगड़े प्यारे पर फिर भी प्यार और मोहब्बत इनका चलता है। अव्वल तो कैंसेरियन कभी नहीं चाहेगा मेरा ब्रेकअप हो, वो फिर मना लेगा फिर भी कर लेगा, तो इनका ब्रेकअप कम ही होता है, अगर हो जाए तो फिर भी दोस्ती रहती है। अच्छा, अब इनका स्कोर देखते हैं, लव स्कोर इनका 72%, मैरिज स्कोर 74% और सेक्शुअल स्कोर 70%, तो ये इज़ द बेस्ट मैच। अगर आपको आपका कोई मैच कैंसर का, आपको स्कॉर्पियो और कैंसर का अगर आपस में है तो फौरन शादी कर लें, लेकिन पहले एक दूसरे का मजाज को ज़रूर समझ लें। हमारे मार पड़ती है कि हम एक दूसरे के मजाज को टकरे मारते हैं कि शायद ये ऐसे हो जाए, जब पता है ये बंदा इस किस्म का है तो बंदा उसको हैंडल करे, जैसे एरीज़ को हैंडल करना है तो उसकी तरीफें करे, उसके हर काम में हाँ ममलाए वक्त की पाबंदी करो, एरीज़ आपके पीछे पीछे। इसी तरह स्कॉर्पियन इसी तरह कैंसेरियन दोनों आपस में अपनी हदूद अपनी बाउंड्रीज़ एक दूसरे को समझ लें तो इन जैसा मैच ही कोई नहीं, दोनों ही बहुत प्यार और मोहब्बत तो इन पर ख़त्म है बहुत ज़्यादा। वो आप अक्सर एक्वा की फिल्में देखते होते हैं तो जल पड़ी और दूसरे अंदर पानी में बड़ा प्यार शेयर कर रहे थे, तो ये भी आपस में जब आपस में इनकी जो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत लव स्कोर मैंने कहा ना इनका बहुत अच्छा होता है। लकी हैं अगर आप कैंसेरियन और सैजिटेरियस हैं तो समझ लें कि आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, बाकी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होती रहती है और उससे फिर दोनों काबू पाने, पानी है तो पानी हमेशा ठंडा ही रखता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में सॉरी हफ्ता मैं कह रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।